तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। पानी के अंदर बनी इस मेट्रो टनल को इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि ये मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से करीब 13 मीटर नीचे बने ट्रैक पर दौड़ेगी। इसमें 6 स्टेशन हैं, जिनमें से 3 अंडरग्राउंड हैं। अंडर वाटर मेट्रो हुगली के पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को पूर्वी तट पर साल्ट लेक से जोड़ेगी। कोलकाता के इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 15,400 करोड़ रुपए है। देश में पहली बार ऐसा होगा जब कोई मेट्रो नदी के नीचे चलेगी। इस मेट्रो का कुल रूट 16.6 किलोमीटर लंबा है, जिसका 10.8 किलोमीटर ट्रैक भूमिगत है, जिसमें हुगली नदी के नीचे सुरंग भी शामिल है, बाकी हिस्सा जमीन के ऊपर है। अधिकारियों का कहना है कि हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। मेट्रो ट्रेन इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 45 सेकंड में पार कर लेगी। इससे हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हर दिन 7 से 10 लाख लोगों का सफर आसान होगा। अधिकारियों का दावा है कि ये मेट्रो ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन यानी ATO सिस्टम से चलेगी। इसका मतलब ये है कि मेट्रो चालक के एक बटन दबाने के बाद ट्रेन अपने आप अगले स्टेशन पर पहुंचेगी। अधिकारियों का कहना है कि अंडर वाटर मेट्रो में लोगों को 5G इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। अधिकारियों का ये भी दावा है कि मेट्रो टनल में नदी का एक बूंद पानी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। कुछ अंडर वाटर मेट्रो रूट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी ग्रीन लाइन का हिस्सा है। इनमें हावड़ा मैदान से एक्सप्लेनेट तक 4.8 किलोमीटर रूट बनकर तैयार है। इसमें 4 अंडरग्राउंड स्टेशन है, हावड़ा मैदान, हावड़ा स्टेशन, महाकरण और एक्सप्लेनेट। हावड़ा स्टेशन जमीन से 30 मीटर नीचे बना हुआ है। यह दुनिया में सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है। अभी पानी के नीचे मेट्रो रूट लंदन और पेरिस में ही बना है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो के प्रोजेक्ट में 2 सबसे बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, खुदाई के लिए सही मिट्टी का चुनाव, और दूसरी, TBM यानी टनल बोरिंग मशीन की सेफ्टी। कोलकाता में हर 50 मीटर दूरी पर अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है। टनल के लिए सही जगह पहचानने के लिए मिट्टी के सर्वे में ही 5 से 6 महीने गुजर गए। फिर 3 से 4 बार सर्वे के बाद तय हुआ कि हावड़ा ब्रिज के पास हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे की मिट्टी में टनल बन सकती है। फिर रीअलाइनमेंट के बाद 2017 में TBM ने पानी में सुरंग बनाना शुरू किया। हुगली के नीचे टनल की खुदाई का काम 125 दिन में पूरा होना था, लेकिन उसे सिर्फ 67 दिनों में पूरा कर लिया गया। 1 सितंबर 2019 को TBM चंडी सियालदह से करीब आधा किलोमीटर दूर थी, तभी एक बड़े पत्थर से टकरा गई। इससे टनल में बड़े पैमाने पर मिट्टी भर गई और बहु बाजार की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। सैकड़ों परिवारों को होटलों में शिफ्ट करना पड़ा। हाई कोर्ट ने भी काम रोक दिया। जब कुछ महीने कोई धसाव नहीं हुआ तो फरवरी 2020 में फिर से काम शुरू हुआ, जिसके बाद काम पूरा हो सका। बता दें कि साल 1984 में देश की पहली मेट्रो कोलकाता में ही दौड़ी थी, जिसके 40 साल बाद एक बार फिर यहीं से देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलेगी। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए News18 India Originals के साथ।